हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप में बेसिक रिटच कैसे करें, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आज मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसको बोलते हैं मूव टूल, ठीक है। मूव टूल होता है, और ये होता है सेलेक्शन टूल, ठीक है, और ये होता है लासो टूल। देखिएगा, आप देख सकते हैं इस पर लिखा आ रहा है क्या, लासो टूल, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल, ये है क्रॉप, ये है फ्रेम टूल। ऐसे आप कोई भी कलर हो उसका कलर से लेके उससे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये है हीलिंग ब्लश टूल, इससे जो जैसे कि ये है दाग स्पॉट्स इससे गायब हो जाएंगे, ठीक है। और ये है ब्रश टूल, और ये है क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। इसमें आप जानती होंगी जैसे कि ये दिखा रहा है, ये रिमूव इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारे टूल्स हैं, हिस्ट्री ब्लश टूल, और ये कलर ग्रेडिंग और ब्लर टूल, डॉट जेट, पेन टूल, टेक्स्ट, काफ़ी सारे टूल्स हैं इसमें। बेसिक टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मूव टूल्स है, और क्रॉप टूल है, और हीलिंग ब्रश, ये आपके मेन इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी से हम फोटो एडिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताना चाहूँगा आपको, पहले मूव टूल पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले फेस को स्मूथ करना है, ठीक है, तो हीलिंग ब्रश टूल को यूज करेंगे। कंट्रोल जे दबा के, खाली जे दबा के आप निकाल सकते हैं इसको, या फिर आप टूल्स पे जा करके कर सकते हैं। टूल्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिएगा, डॉट्स यहाँ तक गायब हो चुका है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये देखिएगा, ये आईब्रो के बीच में जो दो डॉट्स दिख रहे थे वो सारे गायब हो चुके हैं इससे, ये देखो। और ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा काम करता है ये डॉट्स हटाने में, या फिर कोई पिंपल्स वगैरह हो आपके, ठीक है। और चलिए अब कलर करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब कलर करेक्शन इसमें किस प्रकार से करें, अब नॉर्मली कलर करेक्शन करना है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर में। यहाँ से पहले जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में आने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर इसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद बेसिक दिख रहा होगा आपको, बेसिक में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, अगर लाइट कम है तो एक्सपोजर को बढ़ा लीजिए, और कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा छेड़ागानी कर लीजिएगा। हाईलाइट को ज़्यादा मत छेड़िएगा, अगर फोटो में आपने ज़्यादा हाईलाइट दिख रही है, मतलब लाइट ज़्यादा है फोटो में, तो आप हाईलाइट को कम कर सकते हो। और शैडो क्या होता है, जो आपके फेस, अगर आपको अच्छी रिटचिंग करनी है तो पहले शैडो बढ़ानी होगी, बाद में आप शैडो कम कर सकते हैं। पर जो आपके फेस जो डार्कनेस दिखती है ना, वो शैडो बढ़ा देंगे तो गायब हो जाएगी, ठीक है। और क्लियरिटी को हल्का सा कम रखेंगे, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स वो लेवल में आ जाए, मतलब कि ज़्यादा नहीं दिखें, ठीक है। और टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम डिटेल्स में। डिटेल्स में नॉइस रिडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं कलर मिक्सर में। कलर मिक्सर में जाने के बाद देखिएगा, रेड वाले में देखिएगा, सबसे पहले जो भी हम रेड पे क्लिक किया तो रेड कलर चेंज होगा सिर्फ इसमें, देखिएगा रेड ही कलर चेंज हो रहा है, जितने भी रेड पार्ट्स आ रहा है वो सारा चेंज हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा हमको इसमें कुछ छेड़ागानी नहीं करनी है, अपने हिसाब से रखना है, कम या ज़्यादा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कलर है, जो आपके फेस का कलर है, ठीक है, आप लुमिनस को बढ़ाओगे तो आपका फेस पे लाइट्स आएगी, यानी कि गोरा होगा, ठीक है। वैसे भी मैं इतना गोरा हूँ, गोरा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं येलो कलर पे। येलो कलर जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, यही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने नॉर्मली रखता हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी सिचुएशन को डाउन कर देंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। सिचुएशन को डाउन करने के बाद इस तरीके तक हो जाएगा। और अब जब हमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ग्रीन पार्ट को भी अब हम सेचुरेशन को डाउन कर देंगे तो फिर ये इसी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर हम इसकी लुमिनस को भी घटाएंगे तो डार्कनेस ज़्यादा हो जाएगी इसमें। अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। येलो वाले की भी सेचुरेशन बढ़ा दीजिएगा। आपको अगर कलरफुल चाहिए फ़ोटो तो इस तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप सेचुरेशन को डाउन करके
बैकग्राउंड को आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट पे कलर डाल सकते हो। ठीक है, अब ब्लू कलर है इसमें, ब्लू कलर जो पैंट का है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चेंज हो रहा है इस तरीके से। अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा है जींस का तो इसका इस कलर रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप डार्क कर सकते हैं। ठीक है, लुमिनस, अब ये कौन सा है, बैंगनी कलर है ये, बैंगनी कलर तो हमारे कहीं दिख नहीं रहा है। अब चलते हैं पिंक कलर पे। पिंक कलर अब ये देखिए शर्ट पे भी काम करेगा और थोड़ा सा फेस पे भी काम करेगा। ठीक है, हमको इसमें भी ज़्यादा कोई ज़्यादा खास छेड़ाखानी नहीं करनी है। अब इसमें देखिएगा कलर ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग में जो आप में मिडिल और ये शेडो हाईलाइट है इसमें कुछ छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बेसिक है। तो इसमें खाली देखिए हल्का सा इसको बढ़ाइएगा, ठीक है, और शेडो को हल्के से डार्क करिएगा हल्का सा, ठीक है, और ये हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इससे, और ये ब्लेंडिंग और बैलेंस बैलेंस को थोड़ा सा बढ़ाइएगा बस। ठीक है, और इसके बाद ऑप्टिक्स ज्योमेट्री इफेक्ट, इफेक्ट में जाने के बाद विग्नेट विंटेज जो साइड का ब्लैक पार्ट पोजीशन होता है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आपको यहाँ तक वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम जी।